दोस्तों, अब हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर एक्चुअल में हमारा फोन हैंग क्यों करता है, क्यों लैग करता है, क्यों स्लो हो जाता है। क्योंकि गाइस हम अपने फोन में काफी सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखते हैं, काफी सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फोन का जो रैम है वो फुल हो जाता है, काफी सारा रैम ऑक्यूपाइड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फोन हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है। मैं आपको यहां पर दिखा दूं, आप यहां पर देख सकते हो हमारे फोन में 4 GB रैम है, 4 GB रैम है, और यहां पर जो फ्री रैम है वो है 973 MB। ठीक है, यहां पे जो रैम है वो काफी सारा ऑक्यूपाइड हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा फोन हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है। और गाइस हम रैम को क्लीन नहीं करते हैं, रैम को खाली नहीं करते हैं, हमारा फोन हैंग करने लगता है। ठीक है, आपको यही काम करना है, आपको अपने फोन की रैम को खाली रखना है। और गाइस जब आप अपने फोन की रैम को खाली रखोगे तो कभी भी आपका फोन हैंग नहीं होगा, लैग नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको अपने फोन की रैम को खाली रखना है, कैसे आपको रैम के स्पेस को इंक्रीज करना है। आपको अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपको सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहां पे सर्च करना है रैम क्लीनर। इसके बाद गाइस आपको यहां पे काफी सारे एप्लीकेशन मिलेंगे, आपको थर्ड वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, रैम क्लीन अप, आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। आप इसका लोगो देख लो। ठीक है गाइस, इस एप्लीकेशन से आप अपने फोन के रैम के स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो, आपका रैम जो है वो ऑक्यूपाइड कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ये आपके रैम को ऑप्टिमाइज करता रहेगा, फ्री करता रहेगा, जिससे आपका जो फोन है वो कभी भी हैंग नहीं होगा, लैग नहीं होगा। ठीक है, आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, यहां पर जो आपको इंटरफेस मिलेगा वो सिंपल सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो ये धीरे धीरे हमारे रैम को क्लीन कर रहा है। ठीक है, यानी हमारे रैम को खाली कर रहा है। और दोस्तों जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो सिंपली आपके फोन का जो रैम है वो क्लीन हो जाएगा, स्पीड बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक काम करना है, रिसेंट से सभी एप्लीकेशन को यहां से क्लियर कर देना है। ठीक है, इस तरह गाइस आपको रिसेंट से सभी एप्लीकेशन को क्लियर कर देना है। दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हो हमारे फोन का जो रैम है वो क्लीन हो चुका है, 1.3 GB यहां पे स्पेस फ्री हो चुका है। ठीक है, यानी गाइस अगर आप इस तरह रैम को क्लीन करोगे तो आपका फोन कभी भी हैंग नहीं होगा, लैग नहीं करेगा। सिंपली आपको क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को एक बार रन कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आपके रैम को ऑप्टिमाइज कर देगा, फ्री कर देगा, और गाइस सभी एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा। ठीक है, जिससे गाइस आपका जो फोन है वो कभी भी हैंग नहीं होगा, लैग नहीं होगा। अब गाइस आप यहां पर देख सकते हो ये ऊपर रन कर रहा है और दोस्तों धीरे धीरे रैम को क्लीन कर रहा है। ठीक है, इस तरह गाइस आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने फोन में कुछ सेटिंग करना है, आपको सिंपली डेवलपर ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे अबाउट फोन को ओपन करना है। ठीक है, अबाउट फोन को ओपन करने के बाद आपको यहां पे वर्जन मिलेगा। अब आपको यहां पे बिल्ड नंबर पे 7 टाइम टैप करना होगा, जिससे गाइस आपके फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर एडिशनल सेटिंग मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है। अब गाइस आपको यहां पे मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, आपको इसको ओपन करना है। अब दोस्तों आपको यहां पे एक काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको यहां पे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको मिलेगा रनिंग सर्विसेज, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके फोन के बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन रन हो रहे होंगे, ठीक है, आपको यहां से उनको परमानेंटली क्लोज करना होगा, स्टॉप करना होगा, तभी दोस्तों आपके फोन का जो रैम है वो क्लीन होगा, तभी आपका फोन स्मूथली रन करेगा। यहां पर आप देख सकते हो काफी सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, आपको सिंपली एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहां पे स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टॉप पे क्लिक करके इसको परमानेंटली बंद करना होगा। ठीक है, इस तरह गाइस आपको सभी एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसको स्टॉप कर देना है। जैसे यहां पे हम एक एक करके सभी एप्लीकेशन को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इस तरह गाइस आपको एक एक करके सभी एप्लीकेशन को स्टॉप कर देना है। जब आप सभी एप्लीकेशन को एक एक करके स्टॉप कर दोगे तो आपका जो रैम है वो काफी ज्यादा फ्री हो जाएगा और स्मूथली फोन रन करने लगेगा, क्योंकि दोस्तों जो रैम है वही फोन को चलाता है, फोन को रन करता है। जितना ज्यादा आप रैम को फ्री करके रखोगे उतना स्मूथ आपका फोन चलेगा। ठीक है, इस तरह गाइस आपको एक एक करके सभी एप्लीकेशन को यहां से स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।